इसके अंदर जो भक्ति भाव है, जो समर्पण भाव है, एक ताल में इतना इतना रसीला वो ताल है, इतना चंचल ताल है, उसके अंदर भी किस तरीके से वो भावात्मक तरीके से उसका जो डिवोशन है, उसका जो मेडिटेटिवनेस है, वो कितने अच्छे से आया है। कलावती राग भी है, उसके अंदर भी भक्ति रस बहुत अच्छे से भरी हुई है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक ताल के चेंज होने से जो रस की बात हम करते हैं, वो रस कैसे यहाँ से वहाँ शिफ्ट भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी इमोशनल स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। अगर श्रृंगार भी है तो श्रृंगार के बड़े सारे तरीके हैं, अगर भक्ति है तो भक्ति रस में भी बहुत स्पेक्ट्रम है उसका, कि वात्सल्य भक्ति भी है, निर्गुण भक्ति भी है, एक भक्ति है जहाँ पे हम पूरा पूरा समर्पण करते हैं, एक भक्ति है जिसमें हम भगवान जी से नाराज भी हो सकते हैं। तो अभी क्योंकि वो इतना लंबा इतना बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, इमोशनल स्पेक्ट्रम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, 360 डिग्री स्पेक्ट्रम होता है वो, तो कलावती के अंदर होकर ही हम कैसे अलग अलग चीज़ों का कैरेक्टर स्वभाव दर्शा सकते हैं, और क्योंकि हम तानों की बात कर रहे हैं तो तानों के अंदर भी वो स्वभाव लाना। देखिए शास्त्रीय संगीत के अंदर जो है ख्याल गायकी जो है, स्टोरी टेलिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई भी आर्ट फॉर्म में स्टोरी टेलिंग का बहुत, सिर्फ शास्त्रीय संगीत की बात नहीं, अगर आप एक पेंटिंग देख रहे हैं, अगर आप एक डांस देख रहे हैं, तो उसकी एक कहानी होती है, और उस कहानी को दर्शाना, उस कहानी को एक्सप्रेस करना आर्टिस्ट के अपने अंदाज में, वो आर्ट बन के आपके सामने आता है। तो इस बंदिश का हम उदाहरण लेते हैं, तन मन धन सागा पाए धनी धा गा पानी